चलो आ जाओ गरुण पुराण में। मरने का 47वां दिन, जब मरेंगे तब गरुण पुराण बचेगी, पहले ही सुन लो। और जिसके पास में गरुण पुराण नहीं हो तो पंडित जी से मंगवा कर फिर पढ़ के देख लेना। मरने के 47वें दिन, 47 days, 47वें दिन किस चीज का दान तुम्हारे सामने आता है? मरने के 47वें दिन, 10 दिन तक तो जीवात्मा घर की अटारी फिरती, मरने के बाद 12वें के दिन चली जाती है। उसके बाद में जब 47वां दिन आता है तो 47वें दिन जीवात्मा को क्या दान करा जाता है, व्यक्ति ने क्या पुण्य करा होता है कि उसको नरक नहीं भोगना पड़ता, बेतरणी नहीं भोगना पड़ती और सीधे बेतरणी से पार उतर जाता है, वो किस चीज का दान है? तो कहा शिव महापुराण में, करुण पुराण में, कि वो सत्तू का दान है जो बैसाख महीने में करा जाता है। सत्तू का दान 3 चीजों से मिलकर बनता है, जो बोलते जाओ जल्दी, गेहूं चना, ये 3 चीज से मिलकर बनता है। इसमें जो बारीक बारीक कण होते हैं, जितने जितने 3 चीज के मिले हुए बारीक बारीक कण होते हैं, ये जब दान किया जाता है सत्तू का, तब ये बेतरणी तरने के लिए 47वें दिन इस जीवात्मा ने अगर सत्तू का दान करा होता है या सत्तू का सेवन बैसाख के महीने में करा होता है तो उसको बेतरणी नहीं भोगना पड़ती, डायरेक्ट सीधे रतलाम उज्जैन से डायरेक्ट। किस किस के यहाँ बनता है सत्तू? बैसाख में बनता तो होगा, पहले गांव के लोग तीरथ करने जाते थे, गांव का लोग जब तीरथ करने जाता था कोई सामान नहीं लिया, सत्तू बांधी पोटली धरा यूं और पानी में घोलिया और नमक डालिया या शक्कर या गुड़ घोल के और पी के वही चले। आज के अब जब सैनिक युद्ध करने जाता है, थक जाता है, बहुत थकान हो जाती है, जब उससे देखा जाता है तो सैनिक का जो कमांडर होता है वो सत्तू मंगवाता है और गिलास में घोल घोल कर पूरी सेना को पिलवाकर फिर युद्ध में उतार देता है। फिर युद्ध सत्तू में जितने बारीक बारीक कण होते हैं, जितने बारीक बारीक कण, अब तुम्हें काम करना, अभी जब फ्री रहो तो एक कागज पे रख के सत्तू का एक कण गिनना, बारीक बारीक गिनते रहना जरा, तो तुम्हारा क्या जाए गिनने में? भगवान कृष्ण के हाथ में पट्टी बंधी थी तो उनने भी तो रुक्मणी को गिनने को दिया था, जरा गिन तो जरा इसमें कितने धागे। रुक्मणी जी ने कहा इसमें 9999 धागे हैं। भगवान ने कहा बस यही 9999 मुझे द्रौपदी को वापिस लौटाना है। गिनके लगा, अभी अभी लगा लो, ऊपर तो भगवान गिनके बता ही देगा कि तुमने जो सत्तू दान करा था, तुमने जो सत्तू खाया था, तुमने जो सत्तू भगवान को दिया था, सत्तू का लड्डू बनाकर तुमने बैसाख महीने में भगवान की जो पूजन करी थी, तो अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन या क्षेत्र तृतीया के दिन तुमने जो सत्सु दिया था, भगवान तो गिनती बता देगा कि उस सत्सु में कितना कण था, और अगर नहीं बताए तो तुम आंदोलन पे बैठ जाओगे। क्या हमें बताओ पहले, हमने कितना सत्सु दिया था उसमें कितने कण थे?